नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महिला समानता दिवस, सोच में बदलाव की दरकार, घर से होगी शुरुआत। सवाईयासपुर तहसील क्षेत्र में स्थित डीसीएम श्रीराम शुगर मिल रूबापुर के तत्वाधान में डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन द्वारा चीनी मिल रूबापुर क्षेत्र के 4 गांव में महिला समानता दिवस मनाया गया, जिसमें रोल प्ले, गीत एवं विभिन्न गतिविधियों द्वारा महिलाओं को महिला समानता दिवस व महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में चीनी मिल रूबापुर के अधिकारीगण, विद्यालय के छात्र छात्रा व कई संभ्रांत व्यक्ति व ग्राम प्रधानों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम क्षेत्र के ग्राम राहतोरा, मुंडेर, कैथे व नगला भैंसी में हुआ। इस मौके पर चीनी मिल के महाप्रबंधक प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि महिला पुरुष समानता की सोच के बाद देश ने महिला को प्रधानमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर, मंत्री, विधायक, सांसद, आईएएस, आईपीएस अधिकारी के तौर पर देखा। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि आज महिलाएं उन जगह भी देखी जाती है जिनको सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। आज महिलाएं ट्रक चालक, ऑटो रिक्शा चालक के तौर पर भी दिखाई दे रही हैं, जिसका मतलब है कि हर वर्ग के परिवारों से महिलाएं घर से बाहर कमाने के लिए निकल रही है। लेकिन आज भी इस मामले में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। लोगों की सोच नहीं बदली जा सकती है, जिसको हमें अपने घरों से ही बदलना होगा। वही चीनी मिल के अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि दिखावे के लिए तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन असलियत में उतना ज्यादा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि अशिक्षित महिला व पुरुष जब महिला पुरुष की समानता की खिलाफत करते ही हैं, साथ ही में शिक्षित पुरुषों की सोच भी ठीक नहीं है। हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए ताकि लोगों की सोच में बदलाव आए। उन्होंने कहा, सरकार की योजनाओं के बाद आज महिलाओं के नाम अचल संपत्ति की रजिस्ट्री होने लगी ताकि स्टाम्प ड्यूटी में बचत हो, लेकिन पुरातन सोच के कारण उस संपत्ति को बेचने का अधिकार आज भी पुरुषों को ही है। आज पंचायतों में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन पुरुष उनको सिर्फ स्टाम्प की तरह प्रयोग कर रहे हैं। इस दिशा में काम की ज्यादा दरकार है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।